अरे पैर मेरे रहने दे बाबा, मैं उसी दीवार पे सोख रहे अब। वो एक और था लूटा छोड़। तो गाइस, तो बॉबी जा रहा है अपने घर देहरादून। तो अब मिलेंगे फिर कभी बॉबी के साथ। आओगे देहरादून? देहरादून तो कभी कभी आना होता है यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 16 जनवरी और अभी मैं हूँ आज मांडे में। तो आज मांडे में जो है मेरी दूसरी सुबह है। तो अभी हम सब जो है रेडी हो चुके हैं। अभी प्लान हो रहा है हमारा दुगड्डा से थोड़ा ऊपर जाने का। तो अब निकलते हैं दुगड्डा और देखते हैं कौन कौन जाता है साथ में। आज आपको घुमाएंगे थोड़ा पहाड़ों की तरफ। वही मी यहाँ पेड़ पर चढ़ गया आज। सिवा इधर तो देख, तो अब चलते फटाफट से। और बहुत देर हो गया, मामा जी कर रहे हैं वहाँ पे इंतजार हमारा। देख सकते हैं हमारे दीदी का आउटफिट बिल्कुल गाजर गाजर लग रही है। हॉट पिंक। हाँ, हॉट पिंक। और आज संगीता भी जा रही है मेरे साथ, वो भी पहुंच चुकी है रोड पे। तो वहाँ पर कर रही है हमारा इंतजार। और हरिद्वार में तो आज भी ठंडी हो रही होगी और यहाँ पर कितनी खतरनाक धूप हो रखी है। और मामा जी की ड्राइविंग भी ले लेते हैं आज। तो गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम ब्लॉक में जहां पर हमारा काम है थोड़ा। तो यहां पर अभी रुकेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस से नीचे दुगड्डा। गाइस, तो अभी हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, मां छुट्टी थी आज? छुट्टी बंद चला। अरे ये पीछे गांव वाले ये भी नहीं बता पाए छुट्टी थी आज। क्या पता, हमारा काम तो नहीं होता। तुम इस ब्लॉक के ब्लॉक, तुम्हारा ब्लॉक नहीं है? तुम्हारा ब्लॉक नहीं है? फिर फाइनली अभी फिर से पहुंच चुके हैं हम दुगड्डा। आशू की बेकरी कहाँ है? ऊपर ही है। इधर ही? वही है। सो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा के पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पर थोड़ा काम है संगीता का, तो वो जाएगी यहाँ पर और हम चलेंगे आशू के पास। तो आशू मिलेगा हमें यहाँ बेकरी में। तो अभी आशू कर रहे हैं। आशू मना रहे के तो ये है यहाँ की बेकरी। तो यहाँ पर जो है आशू केक बनाता है। तो यहाँ से केक जो सप्लाई होते हैं दुगड्डा के मेन मार्केट में। फाइनली गाइस, काम हो गया यहाँ पर संगीता का। कितना टाइम लगा? आधा घंटा? उससे ज्यादा। तो अब चलते हैं दुगड्डा की तरफ। दुगड्डा में भी काम है हमें। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर दुगड्डा मार्केट में, थोड़ा सामान ले रहे हैं यहाँ से मामा जी और संगीता। और उसके बाद चलेंगे हम वापस मांडे की तरफ अपने गांव। तो अभी यहाँ पर संगीता ले आई है थोड़ा सामान, खरीदारी कर कर। बहुत काम वाली लड़के हैं। पहाड़ में आए और खटाई नहीं खाए तो क्या पहाड़ में आए। तो फाइनल भी हम पहुंच चुके हैं घर। तो ये रहा हमारा मांडे गांव। और अभी हमें एक मेहमान भी मिल चुका है हमारा। सो गाइस, तो फाइनल भी खाने का टाइम हो चुका है यहाँ पर और टाइम जो है 1:30 बज चुका है। तो अभी आज खाने में हमारा चावल और फाड़ो। किस चीज़ का बनता है? गेहूं की दाल का, जो पहाड़ों में ही होती है, पहाड़ी डिश।
क्यों नहीं करते यूट्यूब वाले? तो इस सब्जी को बोलते हैं फणु, am I right? फणु बोलते हैं ना। ये एक्चुअली होता क्या है, गैस गैस की दाल, गैस की एक दाल होती है, उसको रात भर पानी में भिगाते हैं, फिर सुबह उसको ग्राइंड करके उसके साथ पालक के पत्तों को मिक्स करके मसाला वसाला डाल के बनाई जाती है पहाड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए, तो इसे बोलते हैं फाण, सॉरी फाणु। तो अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसा होता है। वाओ, इसको मैं पहले एक बाइट और लूंगा तब आपको बताऊंगा, इट्स सो डिलीशियस। उसका टेस्ट है ना, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे आपको बताऊं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसका टेस्ट आ रहा है ना, इतना टेस्टी हो रहा है ये मसालों का, परफेक्ट मिक्स है चावल के साथ, उसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, क्या बताऊं। ये जो इसमें जो दाल का एक ग्राइंड का जो एक स्वाद आ रहा है, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। सिलबट्टे का स्वाद भाई, टेस्ट करने में खत्म हो जाएगा। तो फाइनली अभी यहाँ पर जो है चटनी पीसी जाएगी सिल पत्थर में, तो असली स्वाद जो है उसी का आता है। और ये हमारी पहली ऐसी मेहमान है जिसने आते ही फर्स्ट अटैम्प में ही बर्तन धोए बहुत सारे, और अब कचौड़ी बना रही है, तो नमक चटनी का नमक, और यहाँ पर सामान रेडी है हमारा, बाकी यहाँ पर किया जा रहा है। और स्थिति ऐसी लग रही है कि तैयार होते होते हम धूप चली जाएगी। नमक मिर्च भी तो डाल। और टाइम जो यहाँ पर 3:30 बज चुका है, और कब तक रेडी होएगी हमारी आज कचमोली? चीनी डालेंगे ना, उसको स्लो में करेंगे। रुक जाओ, तो फाइनली तैयार हो चुके हैं यहाँ पर हमारी पार्टी। I am sorry, Babu.